Right, so hey guys, what up everybody, it's your boy Kashifshk back again with a new video baby. So dude, aaj ki jo video hai ye thodi si alag video, main aaj ja raha hu Persian cat buy karne ke liye. To main aaj aap logo ko sab bataunga ki Persian cat ka jo saman agar aap logo ko saste mein, matlab ek bahut zyada ek wo ban gaya, matlab trend ban gaya ki Persian cat palna hai to aap logo ko bahut paisa lagega, bahut matlab mehengi aati hai, phir uska saman bhi bahut mehenga aata hai. तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग कैसा सस्ते में जाके एक जगह से सामान ले सकते हो, मतलब उसका मतलब एक जो कैरी बैग होता है जिसमें उसको अपना बाहर ले जाते हैं वो कैसा कहाँ से आप लोग सस्ते में ले सकते हो, उसका जो टॉयलेट करने का जो वो होता है मतलब सैंड वाला जिसमें सैंड रखते हैं वो भी कहाँ से आप लोग सस्ते में ले सकते हो वो बताऊँगा, और कि मेरी जो कैट है वो कैसी दिखती है कैसी नहीं दिखती है वो भी बताऊँगा. तो चलते और आगे देखते क्या होता है क्या नहीं होता है. तो चलते होंगे देखते हैं. Alright guys, so अभी मैं आया था बिल्ली के लिए, मेरे जो मैं कैट ले रहा हूँ उसके लिए सामान लेने के लिए. तो मुझे यहाँ से लेने का था एक बास्केट और उसके लिए जो टब होता है जिसमें वो टॉयलेट करती है वो लेने का था. तो मैं पेट शॉप से ये सब नहीं बाय कर रहा हूँ बिकॉज गाइस पेट शॉप में ये जो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है. तो आप ऐसी कुछ प्लास्टिक की शॉप पर आ सकते हो, चाहिए तो अगर आप मीरा रोड में रहते हो तो ये वाली शॉप इधर पर शायद बोर्ड नहीं है. तो ये जो है गाइस अपना नया नगर में लोधा में है, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो. मैं फिलहाल आफ्ताब के साथ आया हूँ बिकॉज उसके पास पहले से कैट है, तो उसको एक्सपीरियंस है क्या लेना है कैसा लेना है कैसा नहीं लेना है. तो आप लोग ये भाई की शॉप पे आ सकते हो. ये जो है गाइस अपना मैं बताता हूँ सना बेकरी जो है अपना इधर पर लोधा में उसके सामने है ये, तो आप लोग आ सकते हो और ले सकते हो. फिलहाल यहाँ पर बोर्ड नहीं लगा लेकिन आपको सामने से दिख जाएगा. शॉप का नाम क्या है भाई? क्या रीदा होम अप्लाइंस, रीदा होम अप्लाइंस. आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, ये शॉप है और यहाँ पर आप लोग को हर एक प्लास्टिक का सामान मिल जाएगा, मतलब जो आपको घर में यूज़ होता है तो वो भी ले सकते हो. और अगर भाई क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पर? प्लास्टिक है, क्रॉकरी है, ऑनलाइन आइटम सब मिल जाएगा गाइस. तो आप लोग सब आके यहाँ से ले सकते हो. और कैट्स के लिए तो गाइस आप लोग यहाँ से ही लो, मैं प्रीफर करूँगा बिकॉज पेट शॉप पर तो बहुत महंगा मिलता है तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ से लेके. तो अभी मैं जो जो ले रहा हूँ बताता हूँ आपको बैक कैमरा से, तो देखते रहो गाइस. अभी हम लोग ने ये बाय किया यहाँ से, इसका पॉट है ये और ये इसका बैग मतलब कैरी बैग. इसमें हम लोग रात में रखेंगे सिर्फ जब सो रहे रहेंगे बिकॉज नहीं है तो हम लोग का आदत नहीं है बिल्कुल भी. तो देखते हैं, ये दोनों चीज़ लिया हूँ मैंने यहाँ से सिर्फ 300 रुपीज़ में. तो आप लोग भी आओ, बहुत सस्ते में आपका काम हो जाएगा. तो आओ जल्दी से लो, आगे चलते दिखाता आपको बिल्ली कैसी है मेरी. तो भाई अभी मैं अभी मैं आया था यहाँ पर पेट शॉप पर एंड मैंने यहाँ से जो सामान लिया वो आप लोग को बता दो बैक कैमरा से, और कौन सी पेट शॉप पर आया था वो भी बता दो, तो आप लोग भी आ सकते हो अगले से. सो गाइज ये है हम पेट शॉप कनकिया में गाइस, तो आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पर. फ्री होम डिलीवरी है, मतलब होम डिलीवरी भी हो जाएगी आपको मीरा रोड में. ये इनका नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग यहाँ आते हो तो. और मैंने लिया अभी ये वाला फूड और इसका अपना जो दूसरी चीज़ें हैं ये वाला फूड लिया हूँ गाइस, सॉरी वो बड़ा था, ये वाला फूड लिया हूँ क्योंकि अभी ये छोटी कैट है तो इतना ज़्यादा फूड लगेगा नहीं. एंड एक ये लिया हूँ और उसके साथ अपना एक सैंड लिया हूँ, ये वाली सैंड. और भाई तीन चीज़ लिया हूँ और आप लोग भी आओ, यहाँ पर 10% डिस्काउंट है और फ्री होम डिलीवरी है, तो कॉल करके भी मीरा रोड में मंगा सकते हो कनकिया में. तो भाई के पास आओ, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा भाई से. तो डूड अभी मैंने लाया था बिल्ली के लिए मेरी जो मैं ला रहा हूँ कल सुबह 12:30 बजे. अभी तो मैं नहीं लाऊँगा बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई है और जो बंदे से मैं ले रहा हूँ वो भाई ने मतलब वैक्सीन डलवाया है उसको, जो उसका रहता है मतलब एंटीसेप्टिक, मतलब अपने को अगर वो खर्चेगी मतलब खरोचेगी या काट वाट देगी तो अपने को कुछ नहीं होगा, अपने को कोई वैक्सीन मतलब कोई इंजेक्शन नहीं डलवाना पड़ेगा. इसलिए उन्होंने वो चीज़ पहले से ही करवा दी है, इसलिए उन्होंने मुझे आज नहीं दिए. कल 12:30 बजे मैं उसको लूँगा सुबह में, वो बिल्ली को मेरी पर्शियन कैट को. एंड गाइस मैं प्राइस इसलिए नहीं बताऊँगा बिकॉज मैं बिकॉज हराम होता है मेरे को ये पैसे वैसे का इतना नहीं देखना है बिल्ली लेने के टाइम पर, मैं सिर्फ प्यार के लिए ले रहा हूँ अपने. सो गाइस ये जो है ये अपना किटन वाला फूड है, ये मैंने लिया हूँ कुछ. ये जो इसकी MRP है, इसकी MRP दिखाता हूँ गाइस आप लोग को, इसकी MRP 180 रुपीज़ है. और इसकी MRP ये जो है गाइस ये टॉयलेट करती है जिसमें वो है 385 का ये. और ये है इसका खेलने का जो कि मैंने दूसरी जगह से लिया. ये अपना कितने का पड़ा मुझे? ये मुझे पड़ा 150 का. जिधर से मैंने ये सब लिया वहाँ पर मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था इसलिए मैंने वहाँ से नहीं लिया ये सब ये चीज़. तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बहुत खेलते हैं उन लोग ऐसा मैंने सुना हो, तो इसलिए ये लिया हूँ. और ये उसका लीटर बॉक्स में से जो उसका पॉटी होता है उसको निकाल के फेंकने के लिए, और ये उसका सैंड है जिसमें वो पॉटी करेगा मतलब सूंघ के खुद ही.
अवॉइड गाइस। तो जैसे कि आप लोग ने आज की वीडियो में मेरे देखे कि मैंने आप लोग को बताया कि पर्शियन कैट कैसी होती है, कितने में, मतलब ये नहीं बताया गाइस मैंने कितने में लिया कितने में नहीं लिया, बिकॉज मैं उसको मतलब इतना पैसों का नहीं देखा गाइस। हराम होता अगर हम लोग हम बताएंगे कि हम लोग ने कितने में वो चीज़ खरीदे जिससे हम प्यार करते हैं। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ पर्शियन कैट, ये रही हमारी पर्शियन कैट। जैसे आप लोग देख सकते हो गोल्डन कलर में बहुत मस्त है गाइस, बहुत क्यूट है, इसके खेलने में मज़ा आता है। अभी ये सारा गाइस ये छोटा है तो इसको जो है थोड़ा सा हमारे को संभाल के चलना पड़ता है, बिकॉज ये हम लोग को मतलब थोड़ा बहुत मस्ती में अटैक जैसा करता है तो अपने को लगता है कि हमको मार रहा है, बट ऐसा नहीं होता गाइस। जैसे कि मेरे साथ खेल रहा है तो हमको लगता है मार रहा है, बट ये नहीं मार रहा है गाइस। पहले इसको मैं हॉल में छोड़ता हूँ फिर आप लोग से बात करता हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा अगर मैं इसको बेडरूम में मेरे साथ में बंद रखूँगा। सो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ वापस, एंड जैसे कि आप लोग ने देखे मेरी पर्शियन कैट मेरे पैरों के पास खेल रही थी। और गाइस कैसा होता है ना, अभी नया नया है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे मार रही है, बट मैं जहाँ तक लोगों को बताता हूँ जिनके पास पर्शियन कैट है पहले से, तो उन लोग मुझे कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि वो तेरे को मार रही है, वो प्यार कर रही है तेरे से, जिस वजह से तेरे को ऐसा लग रहा है कि वो तेरे को मार रही है, बट वो तेरे को नहीं मार रही है। सो गाइस जैसे कि आप लोग देखे आज की वीडियो में आप लोगों को बताया कहाँ से आप लोग को बाई करना चाहिए पर्शियन कैट का सामान, आप लोग को सस्ते में मिल जाएगा। जो मैंने पेट शॉप के बारे में बताया गाइस वहाँ पर आप लोग को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग मेरा नाम लेके जाते हो वो पेट शॉप पे, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा हर एक चीज़ पे जो आप वहाँ से लोगे गाइस। एंड गाइस जैसे कि मैं आप लोग को आज की वीडियो में बताया आप लोग ने देखे मैंने पर्शियन कैट बाई किया गोल्डन कलर में, तो ये मैंने एक अपने दोस्त से बाई किया हूँ गाइस, बट मैं आप लोग को पैसा नहीं बताऊँगा बिकॉज पैसा बताना हराम होता है, अगर हम किसी चीज़ से प्यार करते तो उसमें हम पैसा नहीं देखते गाइस। तो गाइस अभी यही वीडियो में आज की वीडियो में यही था गाइस, ये बहुत छोटी वीडियो होगी, बट गाइस जितना हो सके उतना सपोर्ट दिखाओ मेरे चैनल पर तो ऐसी और वीडियोज़ आएगी। अभी तो मैं पर्शियन कैट के बारे में वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा, आगे चल के अगर वो बड़ी होगी और अगर आप लोग की उस पर मतलब होगी कि आप मैं उसके ऊपर और वीडियोज़ बनाऊँ तो मैं उसके ऊपर और वीडियोज़ बनाऊँगा गाइस। एंड जैसे कि आप लोग ने देखे पहले वाली क्लिप्स में भी आप लोग देखे कि बहुत ज़्यादा क्यूट दिखती है, गोल्डन कलर की पर्शियन कैट है। ओके गाइस मैं एक चीज़ बताना भूल गया, वो फीमेल है या मेल है, वो मेल है, मैं ऐसा जो प्रोनाउंस कर रहा हूँ वो कैट कैट तो वो ऐसा लग हो जाता है गाइस अपने आप प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन वो मेल कैट है मतलब मेल है गाइस, वो बिल्ला है वो। तो गाइस बहुत अच्छा है, अभी तक मैंने उसको कोई नाम सोचा नहीं है बिकॉज मुझे इतना सता रहा है कि मेरे नाम सोचने का टाइम ही नहीं आ रहा उसके लिए। तो गाइस देखते हैं अभी कैसा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सतार है, ये अभी छोटा है, 6 महीने बाद जब ये होएगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो उसके अंदर भी दिमाग आ जाएगा। तो मैं मिलूंगा आपको ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।